कानपुर कचहरी स्थित गांधी प्रतिमा पर कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने रूरा में महिला के साथ घटित घटना को लेकर के मौन उपवास रखा। मौन उपवास के माध्यम से महिलाओं और बच्चियों के साथ में बलात्कार की जो घटनाएं घट रही हैं, बलात्कार की घटनाएं नहीं घट रही हैं, उन सबको मौत के घाट उतारने का काम किया जा रहा है। और अगर उस पर अपराधी सफल नहीं होता है तो पुलिस द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो स्वयं आत्महत्या करने को विवश हो जाती है। और यही घटना रूरा में हुई कि 3 दिन तक उस महिला के साथ में दुराचार हुआ और पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उस पीड़ित महिला को ही प्रताड़ित किया गया, जिससे वो व्यथित होकर के उसने आत्महत्या कर लिया। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। महिलाएं और बच्चियों के साथ आए दिन घटनाएं घट रही हैं। आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमने उपवास के माध्यम से जहां इन घटनाओं के प्रति रोष व्यक्त किया है, वहीं महामहिम जी को ज्ञापन प्रेषित करके उनसे मांग की है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपराधों को रोकने में नाकाम है, अगर वो अपराध नहीं रोक सकती है तो उसे शासन और सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है, उसे अविलंब बर्खास्त किया जाए। आज हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर इस उपवास के माध्यम से ये ज्ञापन महामहिम के नाम प्रेषित किया है और चुनौती के साथ ये ऐलान करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि अगर अपराधों पर अंकुश नहीं लगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर अंग्रेजों से लड़ सकता है, अंग्रेजों की यातनाएं सह सकता है, अंग्रेजों के कोड़े सह सकता है, तो वो इन फिरका परस्तों से, इन धर्म और जातवाद की राजनीति करने वालों से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करेगा और इनके हर गलत कामों का विरोध करने का काम करेगा।